सुप्रभात। कक्षा पहली आज हम हिंदी व्याकरण में चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। आपके हिंदी व्याकरण का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, शीर्षक चित्र वर्णन। हम जब भी किसी भी चित्र को देखते हैं तो उस चित्र को देखने के बाद में हमारे मन में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, और जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं और उनको हम लिखते हैं वही कहलाता है चित्र वर्णन। आपके सामने कोई भी चित्र दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि गौर से इस चित्र को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, और उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। तो जब उस चित्र को हम देखते हैं तो हर व्यक्ति के मन के जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं, वो अपने अपने विचारों को अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, तो वही कहलाता है चित्र वर्णन। जैसे हम ले लेते हैं क्लासरूम, कक्षा है। अब कक्षा के दृश्य को देखकर हमारे मन में क्या भाव होता है कि एक कक्षा है, कक्षा में बेंच लगी हुई है, डेस्क लगा हुआ है, शिक्षक के लिए एक टेबल है, और कमरे में दो चार खिड़कियां हैं, एक दरवाजा है, एक पंखा लगा हुआ है, एक श्याम पट है, डस्टर रखा हुआ है, चाक रखा हुआ है, और कुछ किताबें हैं, एक अलमीरा है, बच्चों के पास में स्कूल बैग है, बॉटल है, टिफिन है, और क्या क्या क्रिया हो रही है, यही सब हम उस चित्र को देखकर सोचते हैं। तो उसी प्रकार से आपकी किताब में तीन चार चित्र दिए हैं जिन चित्रों को देखकर आपको वर्णन करना है कि इस चित्र में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप चित्र देखिए, ये आपकी किताब में जो दिया हुआ है ये तो चित्र बने हुए हैं, आप देखिए। अब इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र का वर्णन हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सूर्य को देख कब होता है प्रातःकाल, तो मतलब सूर्य का उदय हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई, सूरज निकल आया है। जब सूरज का उदय होता है तो पक्षी जो होते हैं, देखिए एक चिड़िया बैठी हुई है जो अपने स्वर में ची 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 कर रही है। अब आगे देखिए, एक बच्चा है जिसका नाम है नानू, सूर्य का उदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही है, इसके बाद भी ये बच्चा अभी तक सो रहा है, तो उसकी जो माँ है उस नानू को जाकर प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही है और उसे समझा रही है कि सुबह हो चुकी है, पक्षी भी जाग चुके हैं, अब तुम उठो, सवेरा हो चुका है, अपनी आंखें खोलो। अब ये बच्चा माँ उठाने पर उठता है, इसके बाद क्या करता है, ये देखिए खिड़की दिखाई दे रही है, पर्दे लगे हुए हैं, बाहर पक्षी उड़ रहे हैं, वो बच्चा उठता है और खिड़की से बाहर की ओर जाकर देखता है। तो जब खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और वो जो सुबह की प्रातःकाल की जो ठंडी हवा होती है बहुत ताजगी रहती है उसमें, उसे बहुत अच्छा लगा और बच्चा उस दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो आपने देखा ये जो चित्र है और चित्र का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से आप एक देखिए दूसरा चित्र देखिए, इस ये जो चित्र दिए हुए हैं इस चित्र के लिए आपको कुछ शब्द दिए हैं जिन शब्दों के द्वारा जहाँ पर भी खाली स्थान ब्लैंक है वहाँ पर हमको भरना है। अब देखिए ये किस चीज का दृश्य है, आप देख रहे हैं कि एक कुर्सी है और कुर्सी पर दादाजी बैठे हुए हैं और दादाजी के पास उनका एक पोता खड़ा हुआ है, तो दादाजी अपने पोते को एक किताब दे रहे हैं, ठीक है, और पास में एक टेबल है और उस टेबल पर सामान रखा हुआ है, टेबल के नीचे एक जोड़ा चप्पल रखा हुआ है और एक रंग बिरंगी गेंद रखी हुई है। दादाजी की कुर्सी के पीछे एक अलमीरा है जिसमें पुस्तकें लाइन से जमी हुई है और उसके ऊपर दीवार में एक दीवार घड़ी लगी हुई है जिस पर टिक 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 करके घड़ी से आवाज आ रही है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसकी खिड़की बंद है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक चित्र का वर्णन हो गया,
चित्र में जो जो कुछ हो रहा है उसे आप देखिए और मन में सोचिए और उसके बारे में लिखिए। अब जो ये शब्द दिए हैं उन शब्दों के द्वारा देखिए पूरा भरा हुआ है। यह एक कमरे का दृश्य है, आपने देखा कमरा, ठीक है, और दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। ये दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी बच्चे को एक किताब दे रहे हैं। देखिए बच्चे के बस्ते में एक किताब है, ये जो बैग है टेबल के ऊपर रखा उसके अंदर एक किताब दिखाई दे रही है। चटाई पर एक रंग बिरंगी गेंद पड़ी हुई है, ये चटाई बिछी हुई है इसमें आप देख रहे हैं रंग बिरंगी गेंद है। मेज के नीचे चप्पले पड़ी है, ये चप्पल रखी मेज के नीचे। दीवार पर घड़ी टंगी हुई, ये आपको दिखाई दे रहा है कि दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, मतलब आप चित्र को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। अब आप देखिए ये दृश्य को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये दृश्य कब का है। ये दृश्य में जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये जन्मदिन पर देखिए ये चार बच्चे खड़े हुए हैं, उनके माता पिता खड़े हुए हैं और बैलून से पूरा सजाया गया है। टेबल पर मिठाइयां रखी हुई हैं, गिफ्ट रखे हुए हैं और एक केक है जिसे वो केक को काट रहे हैं बच्चा, और सब बच्चों के सर पर बर्थडे वाली टोपी लगी हुई है। तो इन्हीं सबको देखकर हमें चित्र का वर्णन करना है। पहला प्रश्न क्या करना है, चित्र में कितने बच्चे हैं, तो आप देखिए एक दो तीन चार, तो चित्र में चार बच्चे हुए। फिर क्या लिखा है, चित्र में क्या हो रहा है, तो चित्र में क्या हो रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। पिताजी के हाथ में क्या है, तो देखिए पिताजी के हाथ में क्या है, एक पुस्तक। बच्चा क्या काट रहा है, बच्चा केक काट रहा है। बच्चों ने सिर पर क्या पहना है, बच्चों ने सिर पर बर्थडे वाली टोपी पहनी है। तो ये हो गया चित्र का वर्णन। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे आपको इस कहानी को पूर्ण करना है। एक रात की बात है, नीतू ने देखा कि आसमान में खूब सारे तारे, जब जो चित्र बना हुआ है ना उस चित्र के शब्दों को लिखकर आपको फिलअप करना है, तो तारे जगमगा रहे थे। दूर चांद मामा भी, चंदा मामा भी चमक रहा था। थोड़ी देर में एक काले बादल ने चंद्रमा को ढक दिया। अरे चंद्रमा कहाँ खो गया, नीतू को समझ नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से आप चित्र का वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, वह अपनी मम्मी से पूछने लगी, चंदा मामा कहाँ है। माँ ने कहा, चंदा मामा अपनी माँ की गोद में छिप गए हैं। लड़की हंस पड़ी, वह भी अपनी मम्मी की गोद में छिप गई। इस प्रकार से आपको चित्र का वर्णन करना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये एक चित्र बना है, आप इसे गौर से देखिए और समझिए इस चित्र में क्या क्या हो रहा है और अपने भाव इसमें व्यक्त कीजिए। तो आज आपका हिंदी व्याकरण का जो लास्ट चैप्टर था कंप्लीट हो गया है, आपके हिंदी की दोनों बुक कंप्लीट हो गई है। अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।